हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट टू करें। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट वन हम कवर कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ब्रिटेन से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब किस तरीके से एक्ट बने और भारत में जो है वह क्रियान्वयन किया गया, और किस तरीके से हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया और बाकी के चार्टर एक्ट आए, और उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, हमने अंतिम पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज उसके बाद के आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, जब हम देखते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट आने के बाद भारत के अंतर्गत एक सैनिक क्रांति हुई, जिसको सिपाही विद्रोह या एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसको 1857 का विद्रोह या 1857 क्रांति के नाम से जानते हैं। और जिस तरह की स्थितियां 1857 क्रांति के अंतर्गत बनी, और जो है भारत की जो कंपनी का शासन था, वो कहीं ना कहीं उसको एक जो है विद्रोह का सामना करना पड़ा और एक धक्का लगा उनको इस प्रकार से, तो उसके बाद जो चीज़ें हुई, ये उनका जो प्रावधान आए, जिस तरीके के एक्ट आए, उनमें क्या बदलाव हमें देखने को मिले, उन सब के बारे में हम देखेंगे, और देखेंगे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीज़ें उन चीज़ों को याद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कैसे परिवर्तन हुए, तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि अभी तक जो कंपनी का शासन भारत में चल रहा था, अब वो शासन समाप्त कर दिया गया, और जो भी कंपनी का जो है पावर थी, यानी जो भी कंपनी का जो वो था शासन था, वो सीधा किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, यानी जो कि उस समय वहाँ पर महारानी थी, ठीक है, विक्टोरिया थी उस समय पर, ठीक है, उनके हाथों में चला गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के पास सीधा शासन अब हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि जो हमने देखा था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह थे, ठीक है, अब चूंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो इनका महत्व भी अब कुछ नहीं बचा, तो ये भी समाप्त कर दिया गया, और अब भारत में एक जो ब्रिटिश सरकार थी उसका उसने एक नए पद का सृजन किया, जिसको भारत सचिव कहा गया, तो अब भारत सचिव के नाम से एक जो है ब्रिटेन में एक नए पद का सृजन किया गया, जो कि भारत की गतिविधियों पर असर रख, मतलब ध्यान रखता था, यानी उस पर नजर रखता था, कहाँ पे, ब्रिटेन में देखते हुए, तो इसको भारत सचिव कहा गया। और ये जो भारत सचिव था, ये ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसका एक मंत्री हुआ करता था, एक सदस्य हुआ करता था। ठीक है, तो अब ये जो भारत सचिव का पद बनाया गया, ये कुछ भी किसी भी पॉलिसी के रूप में जो निर्णय लेता था, कि कोई भी पॉलिसी बना देते, तो पॉलिसी बनाने के लिए अगला ही निर्णय लेता था, इसके लिए क्या थी, एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, यानी 15 सदस्य की गठन का 15 सदस्यों का परिषद का गठन किया गया, किसके, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। देखेंगे एक चीज़ और देखेंगे कि अभी तक, यानी 1853 तक के जितने भी चार्टर आए, उनको चार्टर्ड कहा जाता था, यानी चार्टर एक्ट कहा जाता था। अभी जो आए, यानी 1857 के बाद जितने भी प्रावधान आए, जितने भी ये अधिनियम आए, उनको अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, यानी एक्ट को अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, यानी 1857 से पहले हम चार्टर कहते थे, और उसके बाद के जितने भी एक्ट आएंगे उनको अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि अब जो जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, इस एक्ट के, यानी इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त, अब उसको वायसराय कहा जाने लगेगा। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और जो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको वो थे लॉर्ड कैनिंग, अर्थात लॉर्ड कैनिंग उस समय पे वायसराय थे, मतलब वायसराय बने थे क्या, वो गवर्नर जनरल, यानी पहले जो वायसराय बने वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये बात आप याद रखें, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने देखे। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है आपकी डायरेक्ट शासन चला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, और जो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनका पद खत्म कर दिया गया, और भारत सचिव का पद जो है एक बना लिया गया। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जो यह भारत सचिव था, उसकी 15 सदस्य जो है
जो परिषद है उसका गठन किया गया और गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा, और प्रथम वॉइसरॉय कौन थे आपके कहने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इससे यहाँ से पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो है यही तथ्य आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1861 के अधिनियम की, ठीक है। तो 1861 के अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, आइए एक एक करके उनको देखते हैं। तो पहले क्या है कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, अर्थात जैसे कि हमने देखा था कि मैकाले यानी लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में प्रथम बार शामिल किया गया था, उसके बाद आगे भी चीजें हुई। तो 1861 में एक और अन्य सदस्य की नियुक्ति करने लगे, अब जो परिषद थी जो ये काउंसिल थी इसमें 6 सदस्य होने लगे, यानी 5 को सदस्य और एक वॉइसरॉय की उपस्थिति में, तो अब 6 सदस्य ही ये जो है बैठक होने लगे, ठीक है। उसके बाद भारत में जो विधानसभा और विभागीय प्रणाली थी उसकी शुरुआत हो गई। विधानसभा मीन्स एक जिस तरीके से आज के फॉर्म में हम देखते हैं कि एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कि मतलब अलग अलग जो है कैबिनेट सिस्टम हम देखते हैं कि शिक्षा के विभाग आपको एक मंत्री को दे दिया जाता है, वित्त से संबंधित विभाग एक दूसरे मंत्री को दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो पहली बार शुरुआत की गई थी वो 1861 के अधिनियम के तहत शुरुआत की गई थी, यानी विधानसभा और विभागीय प्रणाली की शुरुआत प्रथम बार कब हुई 1861। ये पूछा जा सकता है कि भारत में कब पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, तो कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के अधिनियम के तहत। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कहता है कि वॉइसरॉय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में अब कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नियुक्ति करने की अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी जो उसकी काउंसिल थी जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, अब इसमें एक आ गया कि कम से कम आप 6 हैं और अधिक से अधिक आप 12 सदस्यों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कि वॉइसरॉय को अध्यादेश लाने की शक्ति इसमें दी गई, ठीक। यानी आप अध्यादेश ला सकते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में, यानी वॉइसरॉय को जैसे आज स्थिति देखते हैं कि राष्ट्रपति को हमारे अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं वो जो आज के संविधान में हमें झलक दिखाई देती है वो यहीं से दिखाई देती है कि यानी वॉइसरॉय को ये शक्ति प्रदान की गई कि आप अध्यादेश ला सकते हो, आपातकालीन कानून बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इनको एक बार और रिकॉल कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई अलग से, ठीक है, नया। फिर विधानसभा और विभागीय प्रणाली की शुरुआत, और वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य अब हो सकते थे, और वॉइसरॉय के अध्यादेश लाने की जो है शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है। आइए अब बात करते हैं 1992 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। देखेंगे इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानेंगे कि ये क्यों लाया गया था और इसके लाने के इसमें मतलब इसमें आपको क्या दिखाई देगा। देखेंगे आप जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कहीं ना कहीं जब अंग्रेजों को दिखाई दिया और भारत के लोग भी आपस में संगठित हो रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ऊपर दबाव था कि अब भारतीय लोगों को भी जो है शासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसी का दबाव था। अर्थात 1892 का जो अधिनियम आया उसमें दिखाई देता है कि इस पर प्रभाव किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा प्रभाव दिखाई देता है। जैसे भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो चुकी, ठीक है, यानी भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, यानी चुनाव वोटिंग होने लगी, ठीक है। लेकिन ये वोटिंग कैसी थी, ये अप्रत्यक्ष वोटिंग थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम बार जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई और वह कैसा निर्वाचन था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार हुआ था और ये कैसा था मतलब 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, और कैसा था, ये अप्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को जो है चूंकि चुनाव के रूप में शामिल किया जाने लगा, और फिर अब ये जैसे ही काउंसिल में जाते जैसे ही विधानसभा में जाते थे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, अब बजट में शामिल किया गया, भारतीयों को बजट में शामिल किया गया और ये बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन ये पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है, यानी ये प्रश्न इस तरीके के नहीं पूछ सकते थे जो सार्वजनिक हित के ना हो, ठीक है। जैसे विधान परिषद की शक्तियाँ क्या थी किस रूप में, यानी बजट के संबंध में हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता था, और प्रश्न पूछने के संबंध में क्या क्या भारतीयों को अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले बात करेंगे कि बजट में हम क्या कर सकते थे, बहस कर सकते थे, लेकिन बजट से संबंधित अगर वो अपना कोई प्रस्ताव देना चाहें, ठीक है, आसपास अपने अगर मान लो अपने एरिया का स्कूल बनवाना या कुछ चीज़ें करानी, सड़क बनवानी, तो उसके लिए वो अपना प्रस्ताव नहीं दे सकते थे, ठीक है।
प्रस्ताव नहीं दे सकते थे और कोई उससे संबंधित पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। और प्रश्न पूछने के संबंध में उनको क्या अधिकार दिए गए थे, जैसे जो भी सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मुद्दे थे केवल वही जो है वो पार्लियामेंट में पूछ सकते थे। और अगर आपको पूछना भी है तो 6 दिन पहले आप उसकी सूचना देंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और यदि उनको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना उचित नहीं होगा तो वो लोग क्या करते थे कि बिना कारण बताए सरकार उस जो है उसका आंसर देने से मना कर सकती थी, कारण नहीं बताएगी। तो इस तरह से कुछ प्रावधान 1892 के जो है भारत शासन अधिनियम के तहत हमने देखे, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने किस तरीके से चीजें गिरी। और ये वीडियो तो आप जब पिछली पहली वीडियो और इस वीडियो को एक आपस में लिंक करेंगे तो ये आपको चीजें एक तरीके से पूरी जो है स्ट्रक्चर जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो भी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मॉर्ले मिंटन सुधार 1919, ठीक है। देखेंगे मॉर्ले मिंटन दो नाम है इसमें, इसको थोड़ा डिपोर्ट करेंगे। जो ये था आपका मॉर्ले मिंटो, वो भारत सचिव थे यानी जो ब्रिटेन में काम कर रहे थे, और वॉइस रॉय थे आपका लॉर्ड मिंटो जो कि भारत में रहकर कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात क्या हुई है, क्यों फेमस है इतना, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रसिद्ध है। 1909 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पहली बार फूट डाला और राजगुरु की नीति अंग्रेजों को दिखाई दी, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि जो मुस्लिम लोग थे उनको क्या पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया है, यानी भारत में पहली बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई वो 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत दी गई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसमें एक और बात क्या हुई कि अब बजट पर बहस के साथ साथ प्रस्ताव और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी बजट पर बहस करने के साथ साथ अब प्रस्ताव भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखेंगे ऐसा क्यों था कि धीरे धीरे जो भारतीयों का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं सरकार में बढ़ता जा रहा था। इस एक्ट के तहत आप शामिल किया गया, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, अब प्रश्न के साथ आप प्रस्ताव भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं क्या जो है बहस भी कर सकते हैं और पूरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, और प्लस चूंकि आप जानते हैं कि 1806 में क्या मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिमों का दबाव भी था। और धीरे धीरे हमने देखा कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व सरकार में शामिल होने लगा, और 1935 का जब अधिनियम देखेंगे तो उसमें किस तरीके से जो है भारत को जो है एक जो अंतरिम सरकार है वो उसके प्रावधान किए जाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। चलेंगे अब इस देखेंगे 1909 का मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ऐसे ही जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा ऐसे यहाँ देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू उस समय पर भारत सचिव थे और वॉइसरॉय आपके जेम्स फोर्ड थे, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि भारत की जो आज हम द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था देखते हैं वो कब से शुरुआत हुई, यहाँ से हम देखेंगे। चूंकि हमने जो भारत की संसदीय प्रणाली है, जो जिस तरीके की चीजें हैं वो हमने ब्रिटेन से ही ली गई है, तो उसका प्रभाव हमें यहाँ दिखाई देता है कि केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्था होने लगी। अर्थात केंद्र में क्या आपका उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा ये बनने लगी, यानी जैसे आज हम देखें तो ये आपका क्या राज्यसभा की जैसी चीज थी और ये क्या लोकसभा की जैसी चीज थी, यानी ये लोकसभा और राज्यसभा की जैसी प्रणालियां उस समय में विकसित हुई थी। और प्रांतों में शासन की क्या प्रणाली थी, द्वैध शासन। अर्थात शासन अब दो तरीके से होगा, किस तरीके से, कि जो ऐसे मुद्दे थे जो जो पैसे से जुड़े हुए थे, राजस्व से जुड़े हुए, टैक्स से जुड़े हुए मुद्दे थे वो आरक्षित विषयों के अंतर्गत रखे गए, और आरक्षित विषयों के अंतर्गत काम करने का अधिकार किसका, वॉइसरॉय और उसकी काउंसिल का था, यानी उस पर जो निर्णय लिया जाना था वो वॉइसरॉय और उसकी काउंसिल लेती थी, यानी दो विषयों में जो है बांट दिया गया था शासन व्यवस्था, वो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय वो थे जो सार्वजनिक हित के थे, जैसे स्कूल बनवाना, सड़क बनवाना, अस्पताल बनवाना, इस तरीके की चीजें जो है वो भारतीयों के हाथ में दी गई। और जबकि जो आरक्षित जो कि पैसे से जुड़े हुए मामले थे, राजस्व से जुड़े हुए मामले थे, वो किसको, वज्र और उसके काउंसिल को प्राप्त थे ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन की पहली बार शुरुआत किसने की, तो याद नहीं, इसके जनक कौन है, लियोनिल कर्टिस को किसका द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। हालांकि एक द्वैध शासन हम वहां पे भी देखते हैं, उसमें
जो बंगाल विजय के दौरान हुआ था, तो वो भी देखते हैं, ठीक है, वो आप याद रख लेंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। अभी तक हम देख रहे थे क्या कि जो 1892 में आपको निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। और अब सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और महिलाओं को भी मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया, यानी उनको भी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि महिलाओं को सबसे पहले किसका वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1919 का जो मोंटेग्यू चेंज कोड था या भारत शासन अधिनियम था उसके तहत। ये इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि महिलाओं के को जो है वो बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो किस तरीके की चुनाव प्रणाली थी, आइए उसको देखते हैं। प्रणाली किस प्रकार थी कि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ करेंगे, मतलब होता था, ठीक है। यानी प्रत्येक निर्वाचन मंडल के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया। और आय, संपत्ति, कर, यानी एक लिमिट दी गई कि जिसकी आय इतनी होगी वही वोट कर सकता है, जिसकी संपत्ति इस दायरे तक होगी वही वोट कर सकता है, और जो जो इतना कर देता हो वही वोट इसमें, मतलब इस वोटिंग में शामिल होगा। इस तरीके से जो है ये सीमित अधिकार किसको, भारतीयों को दिए गए थे। फिर इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 1926 अर्थात 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश होकर, 1924 में आपका ली आयोग बनाया गया, ली आयोग। तो ली आयोग की सिफारिशों पर ही क्या लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने 1919 के तहत जितने प्रावधान थे वो देखिए। 1919 का जो ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, आइए इसको रिकॉल भी करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत सचिव मोंटेग्यू और वॉइसरॉय आपके चेंसपोर्ट थे, ठीक है। केंद्र में द्विशासनात्मक व्यवस्था की गई, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, आरक्षित विषयों के अंतर्गत और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत, ठीक है। आरक्षित विषयों में कौन से, वज्रा और इसके काउंसिल जो है उन्हें निर्णय देती थी, और हस्तांतरित विषयों पर इंडियन लोग काम करते थे। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मतलब जो सामान्य वर्ग था उनको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन वोट देने का जो है वो अधिकार सीमित था और उनके लिए कहीं ना कहीं बाउंड्री लगाई गई थी, बाउंडेशन थी कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक मोस्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, और किसकी सिफारिश पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो लोक सेवा आयोग है जो है उसकी जो शुरुआत की गई वो किसकी सिफारिश पर, तो ली आयोग आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए, अब हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के संविधान में हमें इस कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज्यादा झलक दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा प्रावधान हमें हमने भारतीय संविधान में इसी से लिए हुए। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन और किस तरीके भारतीय संविधान, एक भारतीय संविधान सभा बनी और किस तरीके से आज के संविधान हमें दिखाई देता है, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास, ठीक है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ आएगी और एक पृष्ठभूमि किस प्रकार थी और क्या क्या चीजें हुई और क्या एक बैकग्राउंड था वो समझने में आपका यह बेनिफिशियल होगा। देखो लिखी हुई तो बुक, ये सब चीजें बुक्स में भी है, लेकिन अगर आप जो है एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम।